अस्सलाम वालेकुम बेटा, RSA का ये डॉक्यूमेंट है। मैं काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था, खैर मुझे अल्टीमेटली मिल गया है। तो इसके माने जो है RSA के ये हैं कि रिवेस शमेर एडलमैन, ये तीन ज्यूश साइंटिस्ट हैं ये हमारे पास, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया था और ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आई। मैं इस पर डिटेल्स में नहीं जा रहा इसके अंदर। और ये इनका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम भी आपको देख के बड़ा खौफनाक सा लग रहा होगा, मगर खैर ये इतना ज़्यादा जो है खौफनाक नहीं है, भी समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मैं काफ़ी लोगों को ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी एल्गोरिथम, और इसके अंदर जो पहला स्टेप है इसमें आपने कोई प्राइम नंबर चूज करना है। सही है, अगर आपको काफ़ी सिक्योर डेटा है तो बड़ा प्राइम नंबर ले लें, अगर डेटा जो है इतना सिक्योर नहीं है तो आप इसको छोटा प्राइम नंबर ले सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आप ले सकते हैं। अच्छा, चूज फर्स्ट प्राइम नंबर, गिव इट नेम सो वी क्विक क्यू इज इक्वल टू 11। अच्छा, उसके बाद जो है एक और प्राइम नंबर ले लें आप, आपकी मर्जी, हमने 11 ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। अब इसमें से एक कम करेंगे आप, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 11 माइनस 1 दैट इज 10, ठीक है, जवाब आएगा 20। तो इसका मतलब ये कि जब 20 हमारे पास आ रहा है तो हम प्राइम नंबर कौन सा नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते। क्यों? 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा 20 के साथ, तो ये नहीं ले सकते। इसको हम कहते हैं टोशेंट, इसको हम कह रहे होते हैं टोशेंट। तो इसका मतलब ये कि 1, 3 और उसके 1, 2 भी नहीं ले सकते। तो आप ले 1, 3, 7, 11, 13, 17, 19 ले सकते, ये लिखे मेरे सारे, ठीक है। ओके, ये ने बता दिया आपको। अब आपने क्या किया, आपने सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लिया 7, आपने प्राइम नंबर 7 ले लिया, डी एज अ डी को हमने जो है 7 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, 7 और 20 के, यही। इसमें और कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं। अब यहाँ देखिए, 7e इज इक्वल टू 1, ये आपके पास मॉडुलस है। इसको इक्लिडेरियम एल्गोरिथम भी कहते हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी कहते हैं, एक ही चीज के कई नाम है। 7 इज इक्वल टू 1 मॉड 20, सही है, यहाँ पर 20 जो आपको पता ही आया था, जिसको हमने टोशेंट भी कहा था। तो 7ee हमें पता नहीं है, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 1। कोई ऐसा नंबर लें इसका रिमाइंडर आना चाहिए 1, डिवाइड होगा 20 से, 7 वन 7, 1 मॉड 20। अब बताएं 7 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो जवाब पॉइंट्स में आएगा, 7 टू 14, 14 को डिवाइड करेंगे 20 से तो जवाब भी पॉइंट्स में आएगा, 7 थ्री 21, 21 को डिवाइड करेंगे जब 20 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। हम जब RSA को जब तोड़ते हैं ना इस एल्गोरिथम को, सही, इसको हैक करते हैं, तो उसके अंदर हम ये लॉजिक अपनाते हैं, 7 इज 21 और 21 जो है हमारे पास डिवाइड होगा 20 से तो ये हमारे पास 1 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब हम ये वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे। अच्छा बेटा, अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, सी मीन साइफर इज इक्वल टू पी मॉड एन। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो पी हमारे पास जो है पी यानी वो नंबर है, तो हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू ले रहे हैं, ई ले रहे हैं, सही है ना, वुड बी द ई। अब आप ए बी सी डी काउंट करें, सही है, तो आपका सिंबल क्या है, यहाँ ई है। अब ए बी सी डी ई, लोकेशन कौन सी है, फिफ्थ लोकेशन, A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5, फिफ्थ लोकेशन हमारे पास, फिफ्थ लोकेशन पावर 3, सही है, हमने ई की वैल्यू ली 3, कहाँ से आया 3, ये रहा 3, ये 3 आपने यहाँ पे लिख दिया उठा के, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बना भी देता हूँ ना, ओके, ठीक है। तो ये आपने क्या किया यहाँ पे, तो ये जो ई की जो वैल्यू थी, ये वाली जो हमने वैल्यू निकाली, ये हमने लिख दी यहाँ पर, और आपके पास सिंबल क्या था, ई था, और ई हमारे पास क्या है, भी हमारे पास होता है ए बी सी डी, बस ये, इसमें और कुछ भी नहीं है, एक एक मिनट में जवाब है, ए बी सी डी ई, ऐसा
सही। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास ये ई किस लोकेशन पे है, तो ये ई हमारे पास जो है, ये हमारे पास किस लोकेशन पे, फिफ्थ लोकेशन पे, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे ये फिफ्थ लोकेशन पे। ठीक है बेटा, ये कहाँ है, फिफ्थ लोकेशन पे। ये फाइव आपने कहाँ लिखा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये फाइव आपने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये थ्री कहाँ लिखा है, यहाँ पर। जवाब आ गया 125। ये आपका आधा तो सॉल्व ही हो गया आपका, यानी आधे नंबर तो आपके पक्के आ गए RSA के अंदर। तो 5 की पावर 3 125, आपके पास CPE mod n, वेयर n इज इक्वल टू 33। सही है ना, n की वैल्यू क्या है, 33। हमने पहले जो निकाली थी 11 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वो है। अब आपने क्या किया, 125 mod 33, मैं सुधर क्लियर कर दूं। ठीक है, 125 mod 33, सही। तो 125 mod 33 रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका 26 आ रहा है। इसको आप करके देख लें, निकाल लें। 125 को 33 से डिवाइड कर, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये है आपके पास 3 और ये आपने बना दिया 125। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, 3 4 12। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया 4 12 लिख दिया। नीचे क्या आया हमारे पास, फिर आपने लाइन लगा दी, फिर आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। सही है, और उसके बाद क्या हुआ, 12 12 बैठ गया, अब 3 बन रहा 3। ठीक है, यही है ना, P की पावर 3, और उसके पास जो है आपके पास वैल्यू आ रही है ये। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, इफ वी डिवाइड 125 बाई 33, द डिफरेंस इज 26। सही है, अब 33 3 का कितना होता है, 99। ये सिंपल बता दो ना, मैं तो करने की जरूरत ही नहीं, मैं इसको करूँ 33 को मल्टीप्लाई करें आप 3 के साथ, जवाब आ रहा है हमारे पास कितना, 99 आ रहा है। अब 99 माइनस आप कर दीजिए 125 से, 125 से तो जवाब कितना आ रहा है, 26 में आ रहा है ये। सही है, मैंने ये साइन जो है मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ये माइनस के 26 में आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो 26 आ रहा है। ये 26 को हम कहते हैं साइकिल। ठीक है, तो ये वाली आसानी है, असल में ये यहाँ पे मेरे लिए मैथ्स टाइप करना इतना आसान नहीं है इसमें, मगर मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। तो 33 3 99 125 26, 26 जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ये रहा 26 रिमाइंडर। हम भेजेंगे इसको पब्लिक की के तौर पे, हम इसको भेजेंगे, ये अब जहां पर जाएगा साइफर के तौर पे, वो यहाँ जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हाँ अब हमने क्या किया, आपको मिला क्या 26, ये 26 जो है आपने लिखना कहाँ पर, वो यहाँ लिखना। डी की वैल्यू क्या है, 7। ये आपको पता है, डी की वैल्यू हमारे पास 7 ही है, सॉरी। ठीक है, डी की वैल्यू क्या, 7 है। अब 26 की पावर 7, अब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 26 XY, मैं लिख देता हूँ 26 XY और पावर आ गई 7। ये आपके पास जो है जवाब आ जाएगा, आपके पास ये बड़ा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी वैल्यू लेके चलेंगे, कैलकुलेटर में काम हो जाएगा, ये जवाब आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 33 के साथ। अच्छा, इधर आपको आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम पूरा का पूरा डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों की तरह। सही है, तो आपके पास जो जवाब आएगा, यानी ये वाली वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको जी। आपने क्या लिखा, आपने लिखा ये। ठीक है बेटा, अब आपने बाहर क्या लिखना है, बाहर ही बता देता हूँ क्या लिखना है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का काम होता है। सही, मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ, और जो बाहर नंबर हमारे पास आ रहा है लिखा हुआ, वो आ रहा है 33।
ठीक है बेटा, अब आप इसको बिल्कुल सिंपल करें, 33 टू जा जो है वो आपके पास 66 हो जाएगा। यहाँ लगाएं आप टू और यहाँ पे लिख दें 66, ठीक है, ये आप माइनस कर दें इसको। अब जवाब क्या आ रहा है, 80 में से 66 निकालें तो आपके पास 70 और तकरीबन 13 आ जाएगा यहाँ पे जवाब। एक एक को सॉल्व करते चले जाएं, जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा ना, इधर जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आपके पास आएगा 5, यहाँ यहाँ पे जवाब आएगा वो आएगा 5, ठीक है बेटा, ये आएगा 5। और ये 5 जो है हमारे पास, यही ई की लोकेशन ए बी सी डी में, यानी ई की लोकेशन कैसे, क्योंकि ए ए बी सी डी ई, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना 5, ये ई की लोकेशन है और ये वाली लोकेशन, ठीक है बेटा। और यहाँ आपने आर एस कंप्लीट कर दिया, ये सवाल है, आप एज इट इज इसको लिख दें पेपर के अंदर तो चल जाएगा ये, ठीक है, और बड़ी नंबर से लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।